गौसे आजम के तसर्रुफात का आलम क्या है, जमीन से भी ज्यादा ताकतवर। और खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। ये नहीं फरमाया मैंने जमीन के तमाम शहरों को देख लिया, ये नहीं फरमाया मैंने जमीन के, ये जमीन क्या है भाई मेरे गौस के आगे। ये नहीं फरमाया मैंने जमीन के तमाम शहरों को देख लिया, ये जमीन तो बहुत छोटी सी है। हमारी ये जो कहकशां है ना मिल्की वे, ये एक कहकशां है, इसमें 2 मिलियन स्टार्स हैं। 2 मिलियन स्टार्स, इनमें से एक स्टार जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं, एक बहुत बड़ा स्टार है जिसे रेड हाइपर जायंट कहते हैं। ये इतना बड़ा है कि दौरे हाजिर के मॉडर्न फलकी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, वो कहते हैं अगर कोई जहाज 1000 मील पर आवर फी घंटा रफ्तार से एक जहाज इसकी फिर परवाज करे, इस रफ्तार से 1000 मील फी घंटा 1000 माइल्स पर आवर एक जहाज इस स्पीड से इस रफ्तार से परवाज करे तो 1100 साल लग जाए उसे अपना सफर मुकम्मल करने के लिए। ये एक स्टार है, ये क्या है, एक स्टार है। 2 मिलियन स्टार सिर्फ हमारी इस कहकशां मिल्की वे में है। और इस मालूम कायनात जो अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर ली है, इसमें 4 मिलियन कहकशाएं हैं। और ये जमीन उस रेड हाइपर जायंट के सामने छोटा सा नुक्ता नजर आती है। तो गौस ने ये नहीं फरमाया मैंने जमीन के तमाम शहरों को देख लिया है, फरमाया मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया है। मत कहो कि गौस फकत जमीन वालों को जानते हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि और सितारों में सैयारों में मखलूकात बसती हैं या नहीं बसती, पर यह जरूर कहूंगा अगर बसती है तो वहां से भी कोई गौस को पुकारे, गौस मदद फरमाते हैं, गौस मदद फरमाते हैं। ये मकाम है मेरे गौस के इल्म का, तो मैं क्यों ना कहूं ये शान है खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। ये मकाम है गौस पाक के इल्म।